अब्दुल गनी साहब, कांग्रेस पार्टी तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं उसमें गुपकार गठबंधन को सीटें मिल रही हैं, निर्दलियों को बराबर सीटें मिल रही हैं बीजेपी के, तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ? अभी शुरुआत है, आप आगे देखिए क्या होता है। लेकिन उम्मीद क्या है आपको, इस जो अभी रुझान है उसके मुताबिक तो बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये हालत क्यों है? हालत तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आप वेट कर लीजिए, देखिए शाम तक क्या होता है। अभी इंतजार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि रुझान में तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी, क्यों ऐसा? कांग्रेस अब पूरे मुल्क में ख़त्म दिखती होती जा रही है और कहीं पर है भी नहीं। यहाँ पर तो कश्मीर में आपको वसूख से कह सकता हूँ कि आपको आज कंवल डल से लेकर पहलगाम, पहलगाम से लेकर गुलमर्ग तक खिलते दिखेंगे, लेकिन जो एक नारा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, सबका साथ सबका विकास, उसको लोगों ने, कश्मीरियों ने गले लगाया है। आज वो 30 साल के बाद जो आज वोटिंग हुई है, लोगों की तरफ से वो जश्न हुआ है, वो 30 साल के बाद देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मोदी साहब के जो नारे को कश्मीरियों ने गले लगाया है, आप देखेंगे कि किस तरीके से आज कमल खिलेंगे कश्मीर। जी हाँ, नजमुल साकिब साहब, कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं और नारे को गले लगा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, कमल भी खिलने वाला है, आपने सुना मंजूर भट्ट को, और लोग हैं उत्साहित यहाँ जिस तरह से मतदान किया है लोगों ने। देखिए, इनके नारे ऐसे ही हैं कि जहाँ पे हमारे एक इनकी भाजपा के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर कश्मीर आए थे, अनुराग ठाकुर जी जम्मू भी आए थे, तो उन्होंने डायनास्टी के खिलाफ जो है इनने काफी भाषण दिए। तो किसी ने प्रश्न पूछा, जी आप तो खुद, आपके वालिद साहब जो हैं खुद पॉलिटिक्स में हैं, आपका तो कुछ है नहीं बेस, कोई पॉपुलर मास्त लीडर तो है नहीं जहाँ से आप जमीन से उभरे हैं, फिर आप तो ऊपर से पैराशूट ही आए हैं, किसी के बेटे ही हैं, सुपुत्र ही हैं किसी के, तो आप क्या डायनास्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन इनके नारे जो हैं ये ऐसी खोखले हैं, ये मुंगेरी लाल के सपने इन्होंने इस देश को भी दिखाए और कश्मीरियों को भी दिखाए, बट आज इनको रियलिटी चेक कर नहीं, लेकिन आज इनको लोग जो है वो रियलिटी का डोज देंगे। ये थोड़े से अपने गुनूदगी में आए थे, थोड़े से पावर के मजे में भी आए थे, बहुत नशे में भी काफी, आज इनको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है, आप वेट कर लीजिए कुछ टाइम के, ये लोग भी आराम से देखेंगे, हम भी देख लेंगे। लेकिन नजमुल साकिब साहब, जब पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी बात करते हैं कि पैराशूट है, परिवारवाद है, तो ये किस हद तक फिर सही है? यही तो आरोप लग रहा है आपके ऊपर, यही तो आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप लोगों ने अपने परिवारों, पीडीपी ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने परिवार को या कुछ सेलेक्टेड फ्यू लोगों को ऊपरी सतह पर क्रीमी लेयर को ही फायदा पहुंचाया जम्मू कश्मीर में, इसीलिए लोग अब डीडीसी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि उनके घर तक पहुंचे शासन प्रशासन। लोगों ने इस सिर्फ डीडीसी में ही नहीं पार्टिसिपेट किया, देखिए ये एक झूठ, ये दूसरा झूठ है जो इन मुल्क में फैला है। आप 2014 की असेंबली चेक कर लीजिए, 2009 की असेंबली चेक कर लीजिए, 2005 की अर्बन लोकल बॉडीज चेक कर लीजिए, 2014 के पंचायत इलेक्शन चेक कर लीजिए, आप देखिए पोलिंग परसेंटेज कितनी ज्यादा थी, नंबर वन। नंबर सेकेंड, देखिए अगर कोई हम पे ये उंगली उठाने वाला हो कि भाई जी आप जो है डायनास्ट है, वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो सही में जमीन से उतरा। जय शाह जी को इन्होंने जेके जो है बीसीसीआई का बना दिया, वहां पे जो है कुछ मुखिया उन्होंने बना दिए, वो उनकी मतलब उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो हमें तो बता दीजिए। आपके जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, इनके हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, ये कौन है, मतलब ये तो हमें बता दीजिए ना, मतलब आखिरकार अगर इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट के तो कोई बेसिस होना चाहिए ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।